दोस्तों भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अहिंसा की झंडी फहराने वाले, लोगों का मसीहा कहलाने वाले महात्मा गांधी जी क्या इतने सेल्फिश हो गए थे कि उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए भगत सिंह के कैपिटल पनिशमेंट का इशू सामने रखा ही नहीं, या भगत सिंह को बचाने की रत्ती भर भी कोशिश नहीं करी। तो आज के इस वीडियो में हम इसी कंट्रोवर्सी के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम है मुस्कान और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल में। ये कहानी है 1928 की, जहां एक तरफ भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था और वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में गो बैक साइमन के नारे लगाए जा रहे थे। पूरे देश में रिवोल्ट्स हो रहे थे साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने के लिए। उन्हीं सब रिवोल्ट्स में से एक रिवोल्ट को उस टाइम के फेमस फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय जी लीड कर रहे थे। जेपी स्कॉट, जो उस टाइम के एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उन्होंने उन पर लाठी चार्ज कर दिया, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय जी इतना सीवियरली इंजर्ड हो गए कि उन्होंने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। इस बात की खबर जब भगत सिंह के कानों तक पहुंची, तो उन्होंने रेवेंज लेने का प्लान बनाया। उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, इन सब ने मिलकर जेपी स्कॉट को मारने की प्लानिंग बनाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका निशाना चूक गया और गोली सीधी जाके लगी एएसपी सुंदरस को, जिनकी वजह से उनकी मौत हो गई। और वो उस टाइम के एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, जिसकी वजह से सारे के सारे ब्रिटिशर्स में तहलका मच गया, सब परेशान हो गए और वो भगत सिंह के पीछे पड़ गए, जिसकी वजह से भगत सिंह को लाहौर से बंगाल भाग के आना पड़ा। वहाँ पे उस टाइम पे सेंट्रल असेंबली में दो बिल पास होने थे, पहला था द ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेकेंड था द पब्लिक सेफ्टी बिल। इन्हीं दोनों बिलों के अगेंस्ट में विद्रोह में भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलके पार्लियामेंट में बॉम्ब गिरा दिया। ये बॉम्ब किसी को हर्ट पहुंचाने के लिए या किसी को मारने के लिए नहीं था, या भगत सिंह की जुबान से समझें तो बहरों को ये सुनाने के लिए था कि हिंदुस्तान अब जाग गया है, हिंदुस्तान अब पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पे लाहौर सेशन में भी पूर्ण स्वराज में हिंदुस्तान ने ये मांग रख, जिसकी वजह से भगत सिंह पे ब्रिटिशर्स ने दो केसेस लगाए, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस और दूसरा पार्लियामेंट बॉम्ब केस। एंड कॉन्स्पिरेसी केस की वजह से उनके खिलाफ एग्जीक्यूशन डिक्लेयर हो गया। फाइनली 1930 में जब पूरे इंडिया में सविनय अवज्ञा आंदोलन जोरों और शोरों से चल रहा था, तो उस टाइम पे INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उस टाइम की बहुत जानी मानी फेमस पॉलिटिकल पार्टी थी एंड इवन इंडिया की ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी, वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर पाई। और जिन भी मेंबर्स ने उसे अटेंड किया था, उन्होंने ये अपील की थी कि कांग्रेस को भी एज अ मेंबर वहाँ लाया जाए। तो जैसे ही ये अपील हुई, उस टाइम के वायसराय इरविन ने गांधी जी के साथ एक पैक्ट करने की सोची, जो कि 5 मार्च 1931 को होना था। गांधी इरविन पैक्ट में सभी इंडियंस ये गांधी जी से अपील कर रहे थे कि वो एक प्रपोजल रखें एज अ डील कि भगत सिंह को उनका जो एग्जीक्यूशन है उससे माफ़ किया जाए और फांसी की सज़ा उनकी रोकी जाए, लेकिन महात्मा गांधी जी ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये क्वेश्चन तो आपके भी दिमाग में आया होगा कि गांधी जी ने ऐसा क्यों किया। एक्चुअली गांधी जी हमेशा से नॉन वायलेंस के पाथ पे चलते आ रहे हैं, हमेशा ट्रुथ की बात करते थे और हमेशा सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते थे। वो बोलते थे, इफ द कोज इज ट्रू, इफ द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, तो फिजिकल फोर्स इजंट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। सो हमेशा ट्रुथ की बात और नॉन वायलेंस के चलते उन्होंने ऐसा बोला कि अगर कोई इंसान नॉन वायलेंस को पसंद नहीं करता एंड वायलेंस के थ्रू अपना कुछ भी पाने की कोशिश करता है, तो वो उसे सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। फाइनली महात्मा गांधी ने ये बोला कि वो इस एग्जीक्यूशन को पोस्टपोन करने की बात ज़रूर करेंगे, लेकिन इरविन जो वायसराय थे उन पे ऑफिशियल्स का बर्डन था। वे बोल रहे थे, अगर उन्होंने महात्मा गांधी की इस डील का डिसीजन लिया
तो वे एक ही झटके में रिजाइन दे देंगे। एंड एज यूजुअल इरविन इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहते थे। एंड फाइनली एग्जीक्यूशन 5 मार्च वाली तारीख से कुछ ही दिन बाद 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। इस पूरी स्टडी पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा थम्स अप ज़रूर दें। थैंक यू।